मानना पड़ेगा ब्रो, तेरा वॉइस तो गॉड गिफ्टेड है। थैंक यू सो मच। मेरा गाना ज्यादा अच्छा था। पार्टनर तुम बताओ, तुम्हें किसका गाना पसंद आया? जैसा ये वैसे ही इसके गाने। क्या तुम इसी लाइन में करियर बनाना चाहते हो? आई थिंक सो। और भाभी आप? नहीं, मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। पर भाभी यकीन मानो, आप दोनों का डुएट बहुत अच्छा था। सिमी तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। थैंक यू बेटे। और मेरा क्या? क्या मेरा वॉइस तुम्हें पसंद नहीं आया? ठीक ठाक ही है। तुम्हें पसंद आया? है और कोई नहीं जानता, और ये प्लेस मैंने सबसे पहले तुम्हें दिखाया।
क्योंकि आई लव यू द मोस्ट। ईवा द बेस्ट पार्टनर। और बारिश होने की वजह से ये जगह और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। पार्टनर, अगर किसी को घर में पता चल गया ना कि हम घर में नहीं है तो राम कसम भगवान भी नहीं बचा सकते हमें मैमियों के हाथ से। रिलैक्स पार्टनर, अब तक तो सब लोग घोड़े बेच के सो रहे होंगे। उन लोगों को तो घंटा पता नहीं चलेगा और उन लोगों के उठने से पहले ही हम घर पहुंच जाएंगे। Are you sure, partner? 200% sure, partner. जब जैक्सन वांग हो साथ तो डरने की क्या बात? Relax, you just enjoy the view. Okay. ये कमीना कभी नहीं सुधरने वाला। भाई, ये कभी कोई बात को सीरियसली लेता क्यों नहीं? कितनी बार मना किया है कि गुड़िया को ऐसी आधी रात को बाहर मत ले जाया कर, पर इसके दिमाग में कोई चीज घुसे तब ना। युंगी का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब इसे क्या हो गया? इतनी ठंड है, बाहर बारिश भी हो रही है, पर इसके दिमाग में कुछ हो तब ना। तुम सब फिक्र मत करो, जैक्सन है ना उसके साथ। हाँ, वही तो फिक्र की बात है कि गुड़िया जैक के साथ गई है। इतना फिक्र मत करो, ये थोड़ी ही देर में आ जाएगी। फिक्र ना करो, फिक्र कैसे ना करो, ये दोनों जब भी एक साथ होते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करते हैं। नाक में दम करके रखा है दोनों ने हमारा। भाभी, आप जाके सो जाओ, वो लोग अभी नहीं आने वाले। क्या मतलब? ये लोग रात में गए हैं, मतलब अर्ली मॉर्निंग से पहले तो नहीं आएंगे। तुम्हें कैसे पता? ब्रो, हम उनके रग रग से वाकिफ है। जब भी वो दोनों मिलते हैं कुछ ना कुछ एडवेंचर उन्हें जरूर करना होता है। हमें सरदर्द देने का एक मौका नहीं छोड़ते ये लोग। ऐसा नहीं है कि जैक तेरे प्यार नहीं करता। जैक लव दे मोस्ट एंड दे ऑल्सो लव हिज पार्टनर मोस्ट। बट बात क्या है ना कि दोनों की बचपन अभी तक गई नहीं। किमिन, तुम सब जाके सो जाओ। नहीं युंगी, ऐसे में मुझे भी नींद नहीं आएगी। मैं भी तुम लोगों के साथ इंतजार करूंगी और हम भी। ओके। पार्टनर, घर में सब सो रहे होंगे ना? ऑफ कोर्स, सब सो ही रहे होंगे। किसी के दिमाग में ये बात आएगा ही नहीं कि इतनी रात में हम घर में है ही नहीं। हाँ, सही कहा तुमने। आखिरी बार जब हम निकले थे तब हम नहीं पकड़े गए थे। हाँ हाँ, हर बार हमारा लक हमें थोड़ी ना धोखा दे सकता है। मन तो कर रहा है इस जैक्सन वांग का मुंह तोड़ दूं। और तुम मिन त्यांग, एक बार वापस आओ सही सलामत, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ जंग जंग को क्या चीज है। रिलैक्स डूड, जैक्सन है उसके साथ। इस लड़की को सबने मिलकर बिगाड़ के रखा हुआ है। भाई, युंगी का मुंह देख के लग रहा है कि ये दोनों आज जरूर पिटेंगे। आज तो मेरी गुड़िया को कोई भी नहीं बचा सकता। बट डोंट वरी गुड़िया, योर यू नो ट्राई हिज बेस्ट। युंगी, वो शट अप। तो किसका प्लान था ये? आई सेड किसका प्लान था ये? एक चीज तुम दोनों को एक बार में समझ में नहीं आती है। तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो? जैक, गुड़िया तो बच्ची है। बच्ची माय फुट। पर तू तो बड़ा है ना, तुझे गुड़िया को इतनी रात में नहीं ले जाना चाहिए था बाहर। जूड, प्लीज कभी तो सीरियस हो जा। तुम दोनों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि घर में सब लोग कितना परेशान हो रहे होंगे। पर नहीं, तुम लोगों को उससे क्या? पार्टनर, अब सिर्फ तुम्हारे आंसू ही हमें बचा सकते हैं। तुम रोना स्टार्ट करो। पर पार्टनर, मुझे तो अभी रोना आ ही नहीं रहा है। तुम ट्राई तो करो, होगा होगा। आफ्टर ऑल, लड़कियों को रोने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती। ये कैसा बात हुआ? फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश भी मत करना, इस मगरमच्छ के आंसू से आज तुम नहीं बच सकती। बेबी, प्लीज डोंट क्राई। जिमिन, तुम इन दोनों को नहीं जानती। यंग, प्लीज। युंगी, आज के
लिए जाने दे, नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना गुड़िया? यस। तुझे लगता है? युंगी प्लीज, मैं तेरे को समझाऊंगी ना, प्लीज अभी जाने दो। फाइन, अब सब जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लो, कल रात से किसी ने ठीक से सोया भी नहीं, फिर हम घूमने निकलेंगे। गुड़िया जाओ, जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मुझसे दिल में क्या है ऐसा भी क्या गुरूर, तुझको भी तो हो रहा है थोड़ा सर जरूर, ये खामोशी जीने ना दे। मुझे पता ही था कि तुम आने वाले हो। तू ही मेरी रोशनी है।